नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करते हैं केवल और केवल स्पेशल एजुकेशन की। और आज हम बात करेंगे आपके प्रश्नों पर। आज मैंने देखे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो डीएड करना चाहते हैं और इस वर्ष डीएड में एडमिशन लेंगे, तो उन सभी अभ्यर्थियों के, ज़्यादातर अभ्यर्थियों के कमेंट्स थे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो और चाहे आपका टेलीग्राम हो, काफ़ी जगह पर मुझे और काफ़ी सारे वीडियोज़ जिनके कमेंट सेक्शन में भी अभ्यर्थियों ने कमेंट किए। तो उनका कहना था कि जब उनका डीएड स्पेशल एजुकेशन का जो कोर्स है यह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है जॉब पाना, और उसके बाद में उसको जॉब कहां पर मिलेगी, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जो चीज़ें आपको बताई जाएं उसको समझिएगा, और अपने मित्रों के पास में जो डीएड करना चाहते हैं उनके पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों, जब आप बेल आइकन में ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको प्रेस करते हैं तो जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी सारे नए अभ्यर्थी हैं, टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कहां कहां पर कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, फिर राजस्थान की बात करेंगे और फिर दिल्ली की बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि UPTET, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, कुछ भी किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप उत्तर प्रदेश में UPTET का जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसको पास कर सकते हैं। और सुनिएगा, अगर आप इसके इक्विवेलेंट क्या होता है CTT, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक परीक्षा को पास करते हैं उसके बाद में आपको देना होगा सुपर टेट। और जो भी वैकेंसीज हमारी आती हैं, चाहे वह पिछली 69,000 जो बड़ी शिक्षक भर्ती हुई वह हो, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती जिसमें डीएड को बराबर मान्यता दी गई, यानी कि सामान्य शिक्षकों के साथ में जो डीएड किए हो, जिन्होंने भी बीएड बीटीसी जिन्होंने भी किया, साथ में डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो अभ्यर्थी थे इनको भी सरकारी नौकरी दी गई। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हैं और जिनको नौकरी मिली है, तो यहां का आप प्रोसेस समझ गए। उत्तर प्रदेश में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर आप UPTET और CTET में से किसी भी एक परीक्षा को पास हैं, उसके बाद में आपका सुपर टेट होगा, अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे अंक आते हैं, तो आप लोगों का जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो पूरा होगा। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर नंबरों का क्या महत्व होता है, आखिरकार नंबर का क्या महत्व होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप सभी को बता दूं, जो आपका 10th होगा उसके 10% अंक, आपका 12th होगा उसके 10% अंक, आपका ग्रेजुएशन होगा उसके 10% अंक, आपके पास में जो भी डिप्लोमा है, चाहे आपके पास बीएड हो, बीटीसी हो, चाहे आपके पास डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, आपके जितने भी अंक आएंगे उनका 10%, और जो आपका सुपर टेट होगा
उठके उसके जो आपके नंबर होंगे 60%, इतनी मेरिट आपको मिलने वाली है। यानी कि जो आपके पिछले नंबर हैं इन पर भी काफी ध्यान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जब दिल्ली में जॉब निकलती है DSSSB की, अभी हाल ही में पिछली जो भी थोड़े दिन हुए लगभग 1132 पोस्टें निकली थी, उसके पहले कुछ पोस्टें निकली थी उनमें से जो खाली 1132 पोस्टें थी वो निकली, और ये जो 1132 आपको पोस्टें दिख रही हैं यह भी दोस्तों DSSSB की जो वैकेंसीज होती हैं इनमें खाली चली जाती है। यानी कि सीट जो है वो वैकेंट रह जाती हैं, बच जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी सीटेड पास करके, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके DSSSB का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं और दिल्ली में भी जॉब कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान के अभ्यर्थियों की। राजस्थान के अभ्यर्थी, उनको कहां पर नौकरी मिलेगी? राजस्थान में एक पेपर होता है रीट का। आप सभी को पता है कि हाल ही में अभी 26 सितंबर को पेपर होने भी वाला है रीट का। उसमें काफी सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है जिन्होंने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, उसके अंतर्गत उनको वहां पर जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब। और जो ये राजस्थान के अभ्यर्थी हैं अगर ये सीटेट पास करते हैं तो यह दिल्ली में जाकर के जो DSSSB की वैकेंसीज हैं इनमें भी अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यानी कि आप दिल्ली में भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन है कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अगर स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज आती हैं तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और दिल्ली के अभ्यर्थियों को तो बताया गया कि इनके यहाँ क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और जो कि सेंट्रल का होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जब ये अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास करेंगे तो आएगी DSSSB की वैकेंसीज और इनमें फॉर्म डाल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ अब थोड़ा, इतना तो आपका गवर्नमेंट का हो गया, अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो गवर्नमेंट जॉब के लिए था। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल और केवल प्राइवेट जॉब पर निर्भर हैं, यानी कि उनको जॉब नहीं मिली तो वो क्या, काफ़ी सारे NGOs हैं ऐसे, काफ़ी सारे दिव्यांग संस्थान हैं ऐसे, और साथ ही साथ होम ट्यूशंस हैं। ये जो होम ट्यूशन का जो क्रेज है सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, होम ट्यूशंस जो भी हमारे बच्चे होंगे, चाहे वह विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी के हो, चाहे वह हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हो, उनको पढ़ाने के लिए सेशंस चलाए जाते हैं। जब स्पेशल एजुकेशन का जो स्पेशल एजुकेटर होता है, विशेष शिक्षक होता है, 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद में वह होम ट्यूशंस दे सकता है, और जो भी NGOs हैं, जो भी विद्यालय हैं, जो भी संस्थान है ऐसे जहाँ पर विशेष बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पर भी जाकर के पढ़ा सकता है। एक BEd BTC के अभ्यर्थी से उसको ज़्यादा पैसा कमाने को मिलेगा प्राइवेट लाइन में भी या प्राइवेट जॉब्स में भी। तो लगभग आप सभी ने समझ लिया होगा। और यह जो आपका कोर्स है वह 12th के बाद ही करा दिया जाता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में TET का एग्ज़ाम होता है, TET का जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन कंपलसरी माना गया है। अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब चाहिए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के पास में जो भी डीएड करना चाहते हैं उनके पास में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों जैसे ही, अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान हैं,
कि सर अभी तक आरसीआई ने फॉर्म नहीं निकाले, जबकि उसने बोला था, उसने 31 तारीख का नोटिस दिया है कि 31 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, और अभी तक कहेंगे कोई भी लिंक नहीं आया। आज हो गई आपकी 1 तारीख और शाम हो गई। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे ही आरसीआई की तरफ से कोई भी नया नोटिस आएगा, कोई भी जानकारी आएगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो नोटिस था आप लोगों को दिखाया गया, गलती इसमें आरसीआई की है कि उसने समय पर कार्य नहीं किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए टॉपिक के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिएगा हमारे साथ एक परिवार की तरह और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।